है जैसे सदियों से तुम मेरी जान हो, अब कैसे मैं ये समझाऊं, कितने अरसों से तुम्हारा ही मुझे इंतजार है। तुम जो पास आई चूमने का यूं बहाना लेके, तब से तुम मेरी हो दास्तां। चांद को बुलाकर तुमने चमकाई मेरी जो रातें, तब से मैं तुम्हारा ही हुआ। दोनों ही कलाइयों पे चांदी है सजी, होठों पे जो लाली है दिल में बस गई। ये मिलन कैसी आग है, जल जाने की आस है। मदहोशी हो या ना भी हो, इस प्यार की गहराई का कोई इंतहा नहीं। नाचने का मन करे तो झूम लेंगे हम, और सितारों के बगीचे घूम लेंगे हम। थोड़ी सी मजाकिया भी बातें हम करेंगे, मिल गया है आशियां हम आँखों से कहेंगे। यूं होता है प्यार क्यों, कैसे कटे दिन रात, कैसे हो तुझसे बात, तेरी याद सतावे रे ओ सजनी रे। कैसे कटे दिन रात, कैसे मिले तेरा साथ, तेरी याद सतावे रे। सजनी रे कैसे कटे दिन रात, कैसे हो तुझसे बात, तेरी याद सतावे रे ओ सजनी रे। कैसे कटे दिन रात, कैसे हो तुझसे बात, तेरी याद सतावे रे। देखा हजारों दफा आपको, फिर बेकरारी कैसी है, संभाले संभलता नहीं ये दिल, कुछ आप में बात ऐसी है। लेकर इजाजत सांसी आती जाती है, ढूंढे से मिलते नहीं है हम, बस आप ही आप बाकी है।
permission to steal your beautiful wife for a while? Thoda show off karna chahta hu. By all means. पल भर न दूरी सहे आपसे बेताबियां ये कुछ और हैं। हम दूर होके भी पास हैं, नजदीकियां ये कुछ और हैं। देखा हजारों दफा आपको फिर बेकरारी कैसी है। संभाले संभलता नहीं ये दिल, कुछ प्यार में बात ऐसी आ गई। अब हम यहाँ से जाए कहाँ। देखा हजारों दफा आपको फिर बेकरारी कैसी है। संभाले संभलता नहीं ये दिल, कुछ प्यार में बात ऐसी। Kan gjøre det deg om Det er koe nordet på noe Min dronning ikke vet på klok La oss sette den igjen eller to Min dronning ikke vet på klok Pia, pia, calling Shravan gujre tujh vin Tara vina ekkalo chuhaiya Pia, pia, Norway Aankaliyon ne kai de घर सुधी रस्तो तू ले जा आ, आ, आ। पिया पिया कॉलिंग एनी एड गुड एड वॉकिंग स्पिलिंग इट ऑल ओवर फोकस सक 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 पिया पिया नॉर्वे बेबी दैट हिट टॉम बोगिंग और हर वट सिंधु फॉर श्वा श्वा Hello, hello, hello. Hello, hello. Ya sateni enelo tu, ene tu kan gira da dai u. Mama mam du sa blue, blue. En bro mine ke vet bo. Hello, ashnabi. Ana mali bahlam bik. Hello, lina ashnabi. निकलते हैं क्या तुझे याद है तेरा दीवाना तूने इश्क किया नहीं पहचाना इस गम का नहीं कोई हर जाना तुझे आना नहीं अब ये जाना कैसा तूने यार बनाया आ चाहने तेरी खूब नचाया दिया दिया जानम मन निश्तगा तई वदारा तई हुस्ता मन भी करारा पिया पिया जानम मन निश्तगा अल्फाजों की आगोश में दिल मेरा धड़कता रहा
भटकता रहा इन नजरों से ही तूने जादू है किया फिर पता क्यों ना लगा बसा है कोई मुझ में ना मेरी जगह है
कुछ देखूं तो तू दिखता है, मेरी आंखों में तेरी निगाह है। तुझसे बिछड़ के बाखुदा मैं यहाँ जी ना सकूंगा एक लम्हा। जगमगाता है तेरे उजालों से, रक्स करता है दिल तुझ पे मरता हुआ, पागलों सा तेरा, पागलों सा तेरा जिक्र करता हुआ। मेरे चैन सुकून तेरी राह, तू रूह की ख्वाबगाह है। तुझसे बिछड़ के बाखुदा मैं यहाँ जी ना सकूंगा एक लम्हा। शुक्राना चाहे मैं जितना भी कर लूं के फिर भी रहेगा वो कम। आराम आता है दीदार से तेरे, मिट जाते हैं सारे गम। है ये दुआ के तुझे देखते देखते ही निकल जाए दम। शुक्राना चाहे मैं जितना भी कर लूं के फिर भी रहेगा वो कम। जो हल्का हल्का सुरूर है तेरे इश्क का ही फितूर है। मैंने जो लिखा था मिटा दिया और तुझको अपना खुदा किया। ये जो हल्का तू है दिखा पिया, मैंने सांस लेना भुला दिया। जिस्म से रूह का एक सफर हो तुम, आखिरी सांस में एक उम्र हो तुम, दुनिया की भीड़ में
दिखे, क्या मैं तुमको दिखूं, कहो ना तुम। ये जो हल्का हल्का सुरूर है, कुछ इश्क सा तो जरूर है। मैंने जग न सोना भुला दिया, मुझे क्या से क्या है बना दिया। ये रुकता
पहला प्यार मेरा तू आखरी, अब जिंदगी से कोई शिकवा नहीं। दश्त की तरह बड़ा तन्हा था मैं, सब कुछ था मेरे लिए कुछ भी नहीं। जब से आप मिल गए हैं गुल खिल गए हैं, अब तश्नगी दिल में कोई नहीं। मेरी जाना कैसे शुक्रिया करूं, सूफियाना इश्क बेपना करूं। क्या बताऊं मैं तुझे, तू है जो मिला मुझे, हो गई है रब दी आमदा। इतने नसीब से देखा है करीब से, नूर दिया हुईया बारिशां। हो सज के जो आए तू अखियों के सामने, नजरा लगे ना मेरिया। ओ मेरे माये जिन्ना सोना, ना कोई होया ना कोई होना, जे मैं पीतल के ओ सोना बाखुदा। ओ मेरे माये जिन्ना सोना, ना कोई होया ना कोई होना, जे मैं पीतल के ओ सोना बाखुदा। मिलना ही मेरी चांद रात होगी, इश्क वाले रास्तों पे अपनी बात होगी, अंबर में तारों की बारात होगी। ढूंढेगी ये दुनिया पर तू मेरे साथ होगी, बाकी सारे साल वे रहना तेरे नाल वे, ख्वाहिशा में जन्ना मेरिया। से हो पूरा चंद्रमा, ओ तारा तेरा एक तारा मेरा, बाकी अंधेरा आसमां। ना तेरे संग लागे बांधे जो पीपल पे धागे, इस सुर में के धारे बहते हैं नजरे बचा के। बदरंग में सतरंगा है ये इश्क रे, जोगी मैं और गंगा है ये इश्क रे। बदरंग में सतरंगा है ये इश्क रे, जोगी मैं और गंगा है ये इश्क रे। लगा लूं हाथ छूके मैं पैर तेरे, हो रख लूं मैं तन पे जख्म बना सारे बैर तेरे। रुकना नी तू हुण रुसड़ा नी मैं, तेरा नी रहा ते ना खुद दा भी मैं। मेरी पर नाना अब नाना
जो फिर संग लागे, रखते वो हमको जला के, वो आधे झूठे वादे ले जा तू कसमें लगा के। रग रग में मलंगा है ये इश्क रे, क्यों लहू में ही रंगा है ये इश्क रे। हो बदरंग में सतरंगा है ये इश्क रे, जोगी में और गंगा है ये इश्क रे। ادخلي عمري بخطواتك اليمين، اضوي ايامي وعتمات السنين، قرت عيوني بشوفك مقبلة، يا الملاك اللين العذب الرزين. اسمعي اضحكي يا نور عيني وسعادي، خلي الفرحة في عمري تبتدي، العمر قبلك وهم ما يحتسب، هذه الليلة تراها مولدي. في وسط قلبي जाने ना तू क्यों फिरता वारा, दिल मेरे तू है एक नकारा, माने ना तू क्यों किस्मत का मारा। बंजारा
जाने ना तू क्यों फिरता आवारा। क्या हासिल इस जहां में खुद को जाने ना तू दिल, क्या सच और क्या फसाने। हा ले दिल मुश्किल खुद को समझाना, जाने ना तू क्यों बन के अनजाना। अखियां चो डिगदे हंजू खुशियां दे, तेरी बन जाना आज तू सजना वे। अखियां चो डिगदे हंजू खुशियां दे, तेरी बन जाना आज तू सजना वे। खुशियां दा चढ़िया आज वेला वे, सारे आने नचना सारे आने गाना वे। खुशियां दा चढ़िया आज वेला वे, सारे आने नचना सारे आने गाना वे। सजना है मैं भी सवरना है, आज दिन चढ़िया तेरे नाम दावे। सखियां ने सजना है मैं भी सवरना है, आज दिन चढ़िया तेरे नाम दावे। दिल नहीं लगता है भी आके तू ले जावे, मैं तेरे इंतजार चे तक दिया राह। अखियां चो डिग दे हंजू खुशियां दे, तेरी बन जाना आज तो सजना वे।
अखियां चो डिग दे हंजू खुशियां दे तेरी बन जाना आज तो सजना वे खुशियां दा चढ़िया आज वेला वे सारे आने नचना सारे आने गाना वे सर रखे तू मैं नींद कहूँ तू सो जाए मैं आ लिखूँ तू आ जाए मैं बैठ लिखूँ तू आ बैठे मेरे शाने पर सर रखे तू मैं नींद कहूँ तू सो जाए जला एक ऐसी नज़्म कहूँ जो लफ्ज कहूँ वो हो जाए मैं दिल लिखूँ तू दिल थामे मैं गुम लिखूँ वो खो जाए काबे काटू तुझे चैन जरा सा हो जाए अभी ऐन लिखूं तू सोचे मुझे फिर शीन लिखूं तेरी नींद उड़े जब काफ लिखूं तुझे कुछ कुछ हो मैं इश्क लिखूं तुझे हो
जाने अदा तुझे जैसा है सोचा पाया वो ही सूरज की किरणों सा एक चेहरा देखा है तुम सा मैंने नहीं मेरी मोहब्बत का लम्हा तुझ में ही गुम सा गया ना मैं हूँ आशिक ना मैं दीवाना कह दो मुझे जो पिया प्यार अमर तू चाहे तो कदमों में सर रख दूं ये जीवन क्या कर मांगे तू मेरी जान नजर कर दूं तेरा मेरा है प्यार पागल या जोगी मुझको कहो तुम हाँ मेरा इश्क सबसे जुदा तेरी ही खातिर सौ जन्म में चाहे हो जो भी भला ना मैं हूँ आशिक ना मैं दीवाना कह दो मुझे जो पिया मेरा है प्यार अमर सुनो ना संग मरमर की ये मीनारे कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे आज से दिल पे मेरे राज तुम्हारा ताज तुम्हारा सुनो ना संग मरमर की ये मीनारे कुछ भी से दिल पे मेरे राज तुम्हारा ताज तुम्हारा सुनो ना संग मरमर जब से मिले तुम हमें आंचल से तेरे बंधे दिल उड़ रहा है सुनो ना आसमानों के ये सितारे कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे सपने मेरे नींदों से होके तेरे रातों से कहते हैं लो
हम तो सवेरे हैं वो सच हो गए जो सुनो ना दो जहानों के ये नजारे कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे आज से दिल पे मेरे राज तुम्हारा संग मर मर ये मिनारे One of our best memory, the one that we will never forget actually, is when we invited them home. After the first meeting, we invited them to our Airbnb home in Turkey. He came with his siblings, with his niece and nephew. My parents. His parents, everyone was there, and I was there with my my sister and her daughter. And your parents. We prepared Lebanese food for them. The first time they tried Lebanese food. I had no clue that anything would happen. We were just like making our parents get close to each other. And suddenly, his father started the talk. He's like, our son is interested in your daughter, and we want to move forward. And do you give us the blessing? So I'm like, okay, I was a little bit expecting this. But then when my father said, okay, we will give it a try, but when you come to Lebanon, his dad or his mom, your mom got out the ring. And I'm like, what? I wasn't prepared for that. My mom was looking at me. Yeah, everybody was confused. Even I was confused. We didn't expect but that. My mom was like, khalas, khalas, let's just put the ring. Yes, and it happened. So it was a surprise, but it was a pleasant surprise. Yeah, so it was a very surprising proposal for you. Even for him. For me as well. The groom doesn't know that he's proposing. Yeah, but alhamdulillah, I'm thankful for everything. That's it. Hi, my name is Salman. I'm the groom. This is my wife. Ro'a. Your name is Ro'a? Yes. Ro'a. Ro'a. Basically, I met her in Turkey. She was my junior in my university. We were doing masters in architecture. And slowly, slowly, we came to the point where we started liking each other. And it was really hard to even think about whatever is happening right now. But many things were in our mind about our tradition, about our families, about our differences. But mainly, it was really hard to convince her. So eventually, all went well, alhamdulillah. And you tell your part how it was in your family. Before my family, we didn't actually meet at the beginning. Mm-hmm. We just spoke to each other through WhatsApp. Yeah, it was like a Turkish movie. Since we met in Turkey, it was like a Turkish movie. Thanks to the university, we had a conversation and I needed help and he was the hero actually. He was helping. And after that, few occasions happened and we were there for each other. And that's how our relationship got better. And slowly, slowly, when he told me that he's interested and he wants to go on to the next step, I was like, I was scared, but I was also happy. And when I told my family, it was crazy because my mom didn't want it at the beginning. My father was okay with it, but it was a little bit tough.
because of the culture, yeah, because of the language barrier. My mom doesn't speak English, or of course Urdu. The distance, so many things. So, okay. So after that, yeah, it's good. Okay. जी से हम कुछ बना लेते हैं उसके बाद कौन है हेलो हाँ एक उस साइड भी है अली को बोलो उस साइड वाला भी खोल दे आपको okay where was it family and problems and values and stuff okay So finally, after that, our graduation happened, yes. And that's when everything started to come true. Our families met. Yeah. My mom was impressed with him, with his family, and she finally said, "Okay, let's give it a try." And then he came to Lebanon. Yeah. But after what? After what? After the war. Yeah. After so many things, I kept waiting for him to come for 6 months. Actually, the day after the meeting, the day I wanted to apply for the visa, Hezbollah came in action, and the borders were closed and everything, so that there was no visa. So we had to wait for 6 months for the engagement. Even the airport was closed. Yes, everything was closed. Yeah, and then Even somebody's heart was closed. They yes. didn't want this to complete. Exactly. Not us. Not us. And then I went to Lebanon and did the engagement 3 months ago. And I planned for the wedding to be in December. But it's June right now. July right now. Basically, he couldn't wait. It's July right now. Right after 3 months, it's done. Yeah. So it was a surprise. Yeah. And I panicked, but then I'm like, why wait? He's here. I'm here. Alhamdulillah. So that's it. Khalas. So the best quality in Salman is that he is caring. He's very caring. He likes. Sometimes maybe someone will say that it's controlling, but no, he's like, he takes care of the details. He wants everything to be done properly. And he is responsible. I can trust him with anything. The things that he likes, food, cars, YouTube. Yeah. This guy Me is... Time. Like fond of YouTube, which is annoying to me actually. But okay, I will give him his me time. Oh. So he loves biryani. Yeah. And do not sit with him when he is eating biryani because he is not as easy as now. Oh God. But yeah, let the man enjoy his food, right? Yes. Yes. He likes horror movies. Yeah. And then he gets bad dreams about them. Yeah. And what else? He likes outings, but I don't know, sometimes he doesn't like to try new things. Yeah. Yeah. He's always getting crazy because I am super adventurous. Yeah. I like to try crazy things, and he's like, "Be careful! Don't do this! Don't do that!" I'm like, "Yay!" And I don't know. That's it. What about you? I like everything about you, and there's nothing specific. But one thing which I really like is that you are also very caring, and you whatever is inside. Whatever is going inside your mind or in your heart, it shows on your face. So you don't hide things. So this is a very special quality. And I really want you to try the most spiciest food. That's it. I like spices.
Yeah, inshallah, in future, we will move to another level of Spice, and most probably we will also travel soon for our PhD together. And my future plans are to go with you to different countries and explore more food, more culture, and that's it. Yeah, we'll see how it goes. And to do more adventures. Yeah, of course. Try all the roller coasters in every country we will go to. Okay, cool. Plan cancel. No. I'm joking. I will try them alone. Okay, done. Yallah, khalas. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا والد العروس اسمي عباس البضم وزوجتي هبة. نشكر الله على هذه النعمة. بنتنا رؤى ندعي إلى رب العالمين يسعدها بإذن الله كيف ما راحت، ونوصيها بهالمناسبة أيدي بأنها تتقي رب العالمين بتعاملها مع زوجها. ربيناها العمر هذا وهلأ بنسلمها أمانة لابننا إن شاء الله سلمان. نتمنى لهم السعادة بحياتهم. كان عندنا ثقة فيها لما بعثناها من لبنان على تركيا لتكمل دراستها، وقلنا الثقة فيها كمان إن شاء الله باختيارها للإنسان هذا اللي تكمل حياتها معه. وصيها بالمستقبل وبقلها إنه الشيء اللي عرفته عن سلمان بالأيام الماضية يمكن تلاقي شيء عكس عنه أو شيء ما عرفته، لأنه كانت معرفة خارجية. هلأ بما أنهم عايشين مع بعضهم حتكون تتعرف على أوجه تاني من حياته، على أشياء تاني من حياته، فلازم تتفهمه وتكون عون لأله بإذن الله، يكونوا عون لبعضهم اثنيناتهم. بوصيهم ما يسمعوا كلام ناس تانية بأي تدخل بحياتهم، وإذا كان صار أي سوء تفاهم، سوء التفاهم بينحل بالحسنى، بينحل بالتواصل بين بعضهم. وإذا كان ما قدروا وصلوا لحل في الأكبر منهم، نصيحتي لبنتي بأنه ما تنقل صورة عن زوجها الشيء اللي متضايقة منه. إذا كان متضايقة شيء بشيء من زوجها، تنقل الصورة لأهله، لأمه، لأبوه، وهن بيتولوا فيه. ونحن هذا أملنا، هيك تربينا وهيك بنربي أولادنا. إذا كان نقل الصورة غير جيدة عن زوجها، ممكن أهلها يكنوا بغض للرجل. فلذلك ما لازم تنقل صورة سيئة عن زوجها أو أي خلاف عن زوجها. بالنسبة لزوجها كمان منقول له نفس الشيء، كمان منوصيه نفس الوصية، أنه يراعي رب العالمين فيها، وأي سوء خلاف كمان بينحل بيناتهم. إذا ما كان بينه وبينها فنحن موجودين بإذن الله كمان لنلاقي أي حل. نتمنى لهم توفيق بحياتهم والله يسعدهم. تركنا بلبنان، جينا من لبنان لهون، عندنا 5 أولاد. بإذن الله صار عندنا الولد السادس هلأ، الله يسعدهم. Now I will talk in English. I wish them all the best in their life. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. And this to my son Salman.
and to his family, the good people, what we met here in Pakistan. We wish all the happiness for the bride and for our daughter and our son Salman. I recommend them to take care of themselves and each other. And my willingness for them, if there is any misunderstanding between you two, you please be intelligent to negotiate each other. If it's very hard to solve this misunderstanding, for my daughter Rua, I told her to don't tell us about what is wrong. If there is anything wrong, you must tell your mother Alia and your father Shahid. For our son Salman, also the same. Please don't tell your father and mother about what it's negative. You find it on Rua. You tell us, and we will try to make everything settle. Everything will be okay, inshallah. And for both of them, don't let anybody interfere between you. Don't let anybody interfere between you. Your problem, you solve it each other by negotiation. And I am sure and I am trusting you that you can find the best way in your life. Wish you all the best and the happiness, and God bless you all. Thank you. Assalamu alaikum. Inshallah, Alf Mubarak, Laru Abla Salman. وبتمنى لهم حياة سعيدة ويلاقوا الطريق الصح والمنيح لهم. وأنا تركت أمانة عنده وعند أهله لأنه هي بغربة، فبتمنى أنه يراعوا كل ظروفها وشعورها، ونحن حنكون أنه ما بعرف شو بدي أقول. تعمين له إن شاء الله، نتمنى له التوفيق بإذن الله تعالى. نحن حبيني هون، وإن شاء الله نكون عائلة واحدة، وبما أنه نحن مسلمين فما في خوف من أي شيء بإذن الله. ريهام أنتوا على الكاميرا هو؟ يلا عم نصور كمان فيديو. ما بقى يا ريت كون هون رغور نبيلة. شكرا ريهام، يا ريتك هون. وين رزون؟ وين رزون؟ حبيت نكون هون. انتو رزوني استقتلي. رزون هاد.
بدي هاج هاج ما بدي تجي لعندي ليكي شو معي رجوله ليكي شو معي وين تلاقيه ما تلاقيه عم جده تلاقيه عم جده اوكي وروحه كمان لبوني عزوز هاي محروق نبيلة حبيبي يا سيدة نهى روعة شوفوا شوفوا كيفك يا بنات؟ يلا سامحونا شو بدي يلا يلا صوت الصور اعطوها شو بدي Salam alaikum.